एक बार फिर स्वागत है, मैं हूं अरुण गोयल। आइए देखते हैं क्राइम की एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन में एक छात्रा ने आरोप लगाया है कि एक पुलिसकर्मी ने उसके साथ जबरन मारपीट की और साथ ही साथ दुष्कर्म किया। महिला न्याय के लिए पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी के पास न्याय की गुहार लगा रही है। मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के नगर उरई का है, जहां पर एक लॉ की छात्रा ने सिपाही पर सनसनीखेज घर में घुसकर मारपीट व बलात्कार का आरोप लगाते हुए जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं मामले की शिकायत करने पर सीओ सदर कोरोना का हवाला देते हुए जांच में देरी की बात कर रहे हैं, जिसकी व्हाट्सएप चैट भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पीड़ित छात्रा ने बताया कि सिपाही राजपाल सिंह भदौरिया ने उसको शादी का झांसा देकर कई महीनों तक उसके साथ बलात्कार किया, और जब उसने शादी करने के लिए कहा तो उसने मेरी मांग भरकर शादी कर ली और इस शादी का झांसा देकर वो कई महीने तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। लेकिन जब मेरे घर वालों को उसके बारे में पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया और रीति रिवाज के साथ शादी करने को कहा। जब इस बारे में मैंने राजपाल को बताया तो उसने शादी से साफ मना कर दिया। इसके बाद जब मैंने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की तो कॉम्प्रोमाइज करके उसने उरई में एक कमरा किराए पर लेकर मुझे रख दिया और लगातार शोषण करता रहा। लेकिन इसके बाद भी उसने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया और मोबाइल बंद करके गायब हो गया। जब हमने मामले की शिकायत उरई कोतवाली पुलिस व सीओ से की तो इसने कमरे में आकर मेरे साथ मारपीट की और जबरन बलात्कार किया। पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। हम कालपी के रहने वाले हैं, लौकी का छात्र हैं और यहाँ हम उरई में अध्ययनरत कर रहे हैं, कमरूप किराए का रूम लेके। उसके बाद 26 जनवरी के दिन हमारी पुलिस लाइन पे एक कांस्टेबल चालक के पद पर था, राजपाल सिंह भदौरिया, उससे हमारी मुलाकात हुई। उसने मेरा मोबाइल नंबर वगैरह लिया और बाई चांस मेरे फ़ोन पे पहले मैसेज वगैरह और फ़ोन वगैरह करता रहता था, तो हमने उसको कई बार ब्लॉक भी किया। एक बार की 20 फरवरी का दिन था, उस दिन मेरे फ़ोन पे मैसेज आया हैप्पी शिवरात्रि करके, तो मैंने उसका रिप्लाई दे दिया रॉन्ग नंबर जान के, पता नहीं कौन परिचय का है। उसके बाद धीरे धीरे इससे मेरी बातचीत शुरू हुई। बातचीत शुरू होने के बाद इसने ये नहीं बताया, इसने मुझे झूठी शादी का झांसा दिया और शादी की भी शायद साथ में मांग में सिंदूर लगाया मेरे। उसके बाद जब ये मैंने इससे कुछ कहा, जब इस बात का घर मेरे घर वालों को पता चला तो घर पर विवाद भी हुआ। विवाद हुआ तो उससे घर वाले नाराज़ हो गए। घर वाले नाराज होने के बाद हम मतलब अपने रूम पर आ गए। इससे हमने अपनी बात कही कि तुम्हारी वजह से ऐसे, तो इसने मुझसे झूठा समझौता किया कि तुम्हारा हम पूरा ख्याल रखेंगे और घर में कुछ ना बताना। मैंने इसकी बातों पे आया कि मैंने अभी घर पे नहीं बताया कुछ, और जब ये इसने नहीं बताया तो मैंने एसपी सर से और कोतवाली में और कई जगह शिकायतें की, तो उसके बाद इसने मुझसे समझौता कर लिया। जब समझौता किया तो उसके बाद ये कल के दिन मेरे रूम पर फिर आया, अचानक से आया तो मेरे साथ ज़बरदस्ती की और उसके बाद मेरा मोबाइल वगैरह छीन के फिर से फरार है। और इस समय एसपी शिकायत की है क्या? जी हाँ, अभी एसपी सर से शिकायत करके आया, पिछली बार भी किया था तो उसमें ये समझौता वगैरह करा गया था। क्या मांगे बात? मांग क्या, हमें तो न्याय चाहिए। मांग क्या है भाई, शादीशुदा है भाई, शादी अगर उसने की है तो शादी क्या कर सकता है? तो बदतमीजी करी है? जी हाँ, बदतमीजी होगी जबरदस्ती करना, कल के दिन रूम पे आना, मेरे मोबाइल से मोबाइल छीन के सब कुछ लें, बदतमीजी ही हो गई ना एक हिसाब से, बदतमीजी सरासर है। वहीं इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, पूरे मामले की जांच की जा रही है, जांच में जो सत्यता पाई जाएगी उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। महोदय, जनपद में तैनात एक पुलिस कर्मी पर एक महिला द्वारा बलात्कार का आरोप लगाया गया है, क्या है पूरा मामला और क्या विधिक कार्रवाई है? हाँ, ये आज बात संज्ञान में आई है और इस पर बात जांच विधिक कार्रवाई की जाएगी। पर अब देखना होगा कि जहां बात पुलिस के आला अधिकारियों पर ही आती है तो पुलिस किसे न्याय दिलाती है और किसका पक्ष लेती है। क्या पुलिस अपने ही कर्मचारी को सजा दिलाएगी या इस महिला के साथ अन्याय करेगी? जालौन से अनुज पाटकार की एक रिपोर्ट।